हे गाइस, वेलकम बैक अगेन। सो चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है। लव है, केयर है, या तो गुस्सा है, नफरत है, क्या है? नफरत तो नहीं होगी, भले ये पर्सन आपको दिखाते हैं ऐसे। हाँ, एंगर हो सकते हैं बट नफरत नहीं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए। रीडिंग कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है। चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस करें। रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रहा है तो लाइक और शेयर भी करें, ओके। और कमेंट करके मुझे बताएं कि रीडिंग कितना आपसे रेजोनेट हुआ भी कि नहीं, ठीक है। और रीडिंग अगर आपसे रेजोनेट नहीं हो रहा है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि नेक्स्ट टाइम मैं आपकी एनर्जी पिक कर पाऊँ। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कलेक्टिव टाइम में जनरल रीडिंग है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए? ये पर्सन कोई भी हो सकते हैं, आपके एक्स पर्सन, आपके करेंट पार्टनर, ओके, आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर, जो कोई भी हैं, उनके दिल में क्या है आपके लिए? पोस्टपोनमेंट। एक बात मैं आपको बता दूं, ये पर्सन जो भी हैं आपके, ये पर्सन आपसे मिलना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, मिलकर सबको शॉर्ट आउट करना चाहते हैं, पार्टी करना चाहते हैं, या तो आपको कहीं डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, बट किसी वजह से पोस्टपोनमेंट हो रही है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आपके साथ इन्जॉय किया जाए, लाइफ को आगे बढ़ाया जाए, आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ा जाए, इन्जॉय किया जाए, हैप्पी रहा जाए, क्योंकि जब भी आपके साथ होते हैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी फील करते हैं। आप दोनों ही जब एक दूसरे के साथ होते हो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी रहते हैं, आप दोनों पीस ऑफ माइंड भी रहते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ लोग के लिए हो सकता है कि इस पर्सन, ये अपने कैरियर में काफ़ी ज़्यादा बिजी हैं, ओके, अपने कैरियर में बिजी हैं, अपनी लाइफ में बिजी हैं, कुछ तो पोस्टपोनमेंट है यहाँ पर, ठीक है। और ये पर्सन आपके साथ यूनियन तो चाहते हैं, आपको डेट पर लेकर जाना चाहते हैं, कुछ ऑफर करना चाहते हैं, बट हो सकता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन आप दोनों के बीच, जिसकी वजह से पोस्टपोनमेंट हो रही है, या तो ये अपने कैरियर पर काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड हैं और इनका फोकस इनके कैरियर पर है, और किसी वजह से नहीं कर पा रहे हैं, जो चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो पोस्टपोनमेंट हो रही है, ओके। तो इस चीज़ का दुख है, पछतावा है कि क्यों जल्दी से हम नहीं मिल पा रहे हैं, क्यों हमारा बातचीत नहीं हो पा रहा है, क्यों डिले हो रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, भले ये पर्सन दिखाते हैं नहीं दिखाते, ठीक है, बट काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में, आप भी फील करते हुए, ओके। आप दोनों का ही मिसिंग एनर्जी देख पा रही हूँ। अगर इधर आप खुश नहीं हो तो उधर आपके पर्सन भी नहीं है, ओके, वो भी आपके बारे में ही सोच रहे हैं। और कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि एनी टाइम आपके पर्सन के माइंड में, इनके दिल में तो आप हो ही, बट इनके माइंड में भी हो, ओके। जब ये पर्सन अपने कैरियर पर फोकस करने की कोशिश करते हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि मेशिंग वाली एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है, और एंजल्स यूनिवर्स की तरफ से भी गाइड किया जा रहा है आपके पर्सन को, आपकी ओर पुश कर रहे हैं, ठीक है। बट मुझे लग रहा है कुछ लोग के लिए फैमिली आ रही है, कुछ लोग के लिए थर्ड पार्टी आप दोनों के बीच आ रही है, जिसके वजह से पोस्टपोन हो रहा है रिसेप्टिविटी। गाइस, कुछ लोग लिए मुझे ऐसा लग रहा है, जो आपके पर्सन ऐसे लेजी होकर बैठे हैं ना आपको लेकर, तो उसकी वजह ये है कि आप इस पर्सन को एक्सेप्ट कर ही लोगे, ओके, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप इनको एक्सेप्ट कर लोगे, जब चाहे तब ये पर्सन आपके लाइफ में आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये इनकी एनर्जी है। और आपके पर्सन को पता है कि आप उनका वेट कर रहे हो, बेसब्री से वेट कर रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा मिस करते हो उनको, और आप काफ़ी ज़्यादा लव करते हो, और आपका लव सिर्फ इनके लिए है, आपका लव अनकंडीशनल है, आप एक प्योर हार्टेड पर्सन हो, ओके। और कभी कभी ये काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये कभी कभी पीस ऑफ माइंड में रहते हैं कि नहीं 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 आप कहीं नहीं जा रहे हो, ये रिलेशनशिप कहीं नहीं जा रहा है, आप एक दूसरे के लिए बने हो, ओके, ये इनकी एनर्जी होती है। ये आपसे काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हैं, ओके, आप काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो इनकी नज़रों में, आप जैसा कोई नहीं है, ओके, आपका लव काफ़ी ज़्यादा मासूम है, आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हो इनकी नज़रों में। और ये पर्सन आपको देखते हैं, जब ये पर्सन आपको देखते हैं, आपके पिक्स को देखते हैं, ओल्ड चैट्स रीड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा मिस करते हैं, और इनके फेस पर स्माइल आ जाती है, मैं आपको बता दूँ, ठीक है। जब ये पर्सन आपको हंसते हुए देखते हैं, आपको मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो इनके फेस पर स्माइल आ जाती है। ये पर्सन लियो हो सकते हैं, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं,
कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस भी है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी है। क्या है आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, एक बात मैं आपको बता दूं, इनके दिल में ना ये है कि आप एक क्वीन हो, आप एक किंग हो, आप जैसा कोई नहीं है। ओके, भले इस पर्सन ने आपको बताया है नहीं बताया है, बट आप इनके लिए ये हो, आप काफ़ी ज़्यादा मासूम हो, आप काफ़ी ज़्यादा लविंग हो, नर्सरिंग हो, ओके आप इंडिपेंडेंट हो, ओके आप सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर लेते हो, आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझते हो, आप इनको काफ़ी अच्छे से समझते हो। जैसा आपने इनको प्यार दिया है, लव दिया है, केयर दिया है, कम्फर्ट दिया है, उतना दुनिया में इस पर्सन को कहीं से नहीं मिला है। ओके, और आप जैसा ब्यूटीफुल पर्सन इस पर्सन ने कहीं नहीं देखा है। ओके, आप इनके लिए बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, काइंड हार्टेड पर्सन हो। ओके, आपकी मासूमियत बहुत पसंद है इनको, अट्रैक्टेड हैं उस चीज़ से। और मैं आपको बता दूं, इनका लव मुझे सच्चा लग रहा है, ट्रू लव लग रहा है, प्यार तो बेहद करते हैं आपसे। ओके, और आपकी वैल्यू है, आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं, करने लग गए हैं, अगर पहले लेजी हो गए थे तो अब करने लग गए हैं। ओके, और इनको ऐसा लगता है कि आप कहीं नहीं जा रहे हो, ठीक है, इनको गाइडेंस मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से, या तो कोई इनके फ्रेंड्स है या तो कोई इनके क्लोज है जिन्होंने ये कहा है कि उस जैसा कोई नहीं है यार, उससे बेहतर पार्टनर तेरे को कहीं नहीं मिलने वाली, या कहीं नहीं मिलने वाला, किसी ने ऐसा कहा है, या तो इनको ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं, या तो ऐसा किसी ने कहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, या तो यूनिवर्स एंजल्स इनको शाइन दे रहे हैं कि आप जैसा कोई नहीं है और आप ही बने हो इनके लिए, और आप जैसा इनको कहीं नहीं मिलने वाला, इनको ऐसा लगता है। और अगर कोई थर्ड पार्टी भी है तो उनके साथ आप कंपेयर भी करते हैं, ठीक है, और आप इनके दिल की मलिका हो। और क्या कहना चाहिए, मैं इनके लिए किंग एंड क्वीन हो आप इनके लिए, ओके राजा और रानी हो आप इनके दिल के, फाइटिंग गाइस। मुझे लग रहा है जो चीज़ें आप दोनों के बीच बिखरी है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, फाइटिंग हुई, पास्ट की चीज़ों को आपके पर्सन भूले नहीं हैं, याद करते हैं, ओके कैसे आप दोनों के बीच लड़ाई हुआ, झगड़ा हुआ, और उस चीज़ को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों चीज़ें आप दोनों के बीच ख़राब हुआ, क्यों ऐसा हुआ। ओके, ये पर्सन सोच रहे हैं राइट नाउ, काफ़ी ज़्यादा ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं कि क्यों आप इनके लाइफ में नहीं हो, वजह क्या है कि आप इनसे दूर हो गए, आप दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। ओके, किससे क्या गलती हुई है, किसने क्या किया है, ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं। पार्टिसिपेशन, तो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोग लिए फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है, ये पर्सन आपके हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, आप दोनों के बीच अगर कोई थर्ड पार्टी है तो मैं आपको बता दूं, जो भी आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ है, गलती किसकी है, किसकी है, किसकी नहीं है। ओके, बट आपके पर्सन की एनर्जी ये है यूनियन, रिकन्सिलेशन, ओके आपके साथ वापस रिलेशनशिप में आना, रिलेशनशिप को कंटिन्यू रखना, आपके साथ फ्यूचर ये पर्सन देख रहे हैं। डेफिनेटली आपने पेशेंस बनाए रखा हुआ है कि आप चाहते हो कि पर्सन डिसीजन ले, ओके आपके लिए स्टैंड है, और ये पर्सन लेने वाले हैं बहुत ही जल्दी। ओके, इनका अगला कदम देखेंगे हम, क्लिनजिंग टू द पास्ट। आपको ना पास्ट की चीज़ों को भूलने की जरूरत है, आप दोनों को ही, आप दोनों ने ना पास्ट की चीज़ों को लेकर बैठे हुए हो कि हाँ उसे ये गलती हुई है, उसे ये गलती हुई, ऐसा नहीं करना है आपको। रिलेशनशिप आप दोनों का ही है, आप दोनों को ही ना मिलकर शॉर्ट आउट करना है और पॉजिटिव रहना है। अगर इन्होंने आपका दिल दुखाया है तो माफ़ कर दीजिए, अगर ये पर्सन एक और चांस मांग रहे हैं तो दीजिए, ठीक है। पास्ट की चीज़ों को आपको नहीं लाना है, अगर आप दोनों के बीच बातचीत होती भी है तो पास्ट की चीज़ों को लेकर नहीं बैठना है आप दोनों को, ओके। और हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो कि आपको इस पर्सन को अपने लाइफ में लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, आपको लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं, चीज़ें जैसे चल रही है चलने दीजिए, और समय के साथ आप आगे बढ़िए, आपको स्टक नहीं रहना, ठीक है, आपको समय के साथ आगे बढ़ना है। तो गाइस ये रही आपकी रीडिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग पर। साइन बताऊँ क्या, साइन शायद मैंने नहीं बताया है, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न भी है और एरिस लियो सजिटेरियस भी है, तो ऑल साइंस है। तो बाय, लव यू ऑल।